तो ये वो जगह है जहां पर मैं आज रात को रुका था। ये देखो ये बेड है एंड हमारा बैग पैक जो है रेडी हो चुका है और ये इधर एक बैग है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और स्टोरी में बताता हूँ कि कल का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब क्यों था और बैड एक्सपीरियंस क्या रहे मेरे उदयपुर में। तो हम यहाँ से हॉस्टल, ये मतलब जो हॉस्टल है, हॉस्टल नहीं बोल सकते एक तरीके से, ये एक लॉज है, घर की लॉज की तरह ही है। तो हम यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर जाते जाते आपको स्टोरी बताते जाऊंगा और आप अलग अलग नजारे देखिएगा। और यहाँ से मैं उतरूंगा तो ये भी चीज आप देख लीजिए मैं कहाँ पर रुका हूँ। तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे आपको दिखाते जाऊंगा कि हाँ, और स्टोरी बताते जाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कल का दिन मेरे लिए क्यों बहुत ही ज्यादा खराब था और मेरा बैड एक्सपीरियंस क्यों कल के दिन का है उदयपुर के लिए। फाइनली मैं रेडी हूँ निकलने के लिए यहाँ से, क्योंकि मैंने बैग पैक वगैरह जो भी मेरा है सब मैंने ले लिया अपने पास। और अब हम यहाँ से निकलते हैं और ये जगह है जहाँ पर हम रुके भाई। अब ताला लगा देता हूँ इसमें और देख लेता हूँ एक बार कुछ भूला तो नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं, चार्जिंग वगैरह चेक कर रहा था मैं, क्योंकि पता है आपको कि चार्जिंग भूल गए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और फाइनली मैंने ताला लगा दिया है और अब नीचे चलते हैं। मैं एक्चुअली थर्ड फ्लोर के आसपास हूँ, चलो नीचे चलते हैं भाई। बैग काफ़ी थोड़ा वजन आज लग रहा है। और ये देखो जहाँ पर मैं रुका हूँ इधर साइड में एक मंदिर है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये मंदिर है और मेरे साथ क्या क्या हुआ सब कुछ आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बाहर निकल जाते हैं यहाँ से, उसके बाद मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जोधपुर के लिए, भी निकलना है इसलिए मैं सुबह यहाँ से निकला। अभी टाइम हो रहा है 7:30। और ये देखो जहाँ पर मैं रुका था और अब हम चलेंगे जोधपुर। तो मैं कल की स्टोरी आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मतलब फार्म हाउस पे जहाँ पर मैं रुका था निर्मल सर के, तो वो फार्म हाउस से मैं जैसे ही निकला तो वहाँ पर सीन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से तो निकल गया और मैं जिस रूट से घर जा रहा था उससे मेरी कॉन्टेक्ट हुई थी और वो मुझे बोले थे कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपको होस्ट करूँगा आज के लिए। तो मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद फिर मुझे पता चला कि वो आराम से तो अपने घर लेके गए, लेकिन जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो वो बोल रहे हैं, घर नहीं था एक्चुअली, डॉर्मेट्री में लेके गए और बोल रहे हैं कि आपको इतना चार्ज कर देना पड़ेगा, मीन्स 400 रुपये के आसपास या 300, मतलब आपको इतना पे करना पड़ेगा इस डॉर्मेट्री में रहने के लिए। तो भाई आपको पता है कि हम लोग फ्री में ट्रैवल करते हैं और हम पैसे वगैरह चार्ज किसी को नहीं ऐसे देते हैं। और वो जो था मैं जिस हाईवे पर मुझे जाना था वहाँ से काफ़ी दूर था उनका, तो दैट पर मैं सोचा पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वहाँ से फिर मैं बोला कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप फेसबुक ग्रुप के थ्रू किसी के पास जाते, जैसे फेसबुक ग्रुप, मतलब फेसबुक ग्रुप में अगर आप शेयर करते हैं होस्ट के लिए, तो अगर कोई बोलता है कि हाँ आप आ जाओ, तो सबसे पहले आप उनसे बात कर लो कि आप चार्ज रखोगे या फिर नहीं, क्योंकि ये लोग ऐसे ही काम करते हैं और चार्ज वगैरह भी रखते हैं लोग। और मैं 7-8 किलोमीटर अंदर उनके पास घर पर गया भाई, फिर वो चार्ज के लिए बोले। एक्चुअली मुझे आज के दिन तो होटल में, मतलब किसी लॉज वगैरह में ही रुकना था, लेकिन वो काफ़ी अंदर था, दैट्स व्हाई मैं रुका नहीं। और ये मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा और कल के दिन मैं कहीं भी घूमने नहीं जा पाया, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं गए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दिन कल का इसीलिए ख़राब था, क्योंकि मैं कल कहीं घूमने नहीं जा पाया और बस लॉज में गया, वहीं पर पूरा रात बिता और पूरा दिन, समझ लो कि पूरा दिन कल का मेरा वेस्ट था। और अगर मेरे होस्ट कोई रहता तो मैं वहाँ बैग वगैरह रख के आराम से निकल जाता। और लेट हो गया भाई, अभी मैं जहाँ रुका हूँ मैं हाईवे के पास में थोड़ा हूँ और ये आप देख लो इधर ये हाईवे है और मैं जो रुका था वो यहाँ पे इसके अंदर रुका था और ज़्यादा दूर नहीं, मतलब पास में हाईवे था इसलिए मैं इधर ही रुक गया रात को, क्योंकि मुझे निकलना है अभी जोधपुर के लिए। तो देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाएगी, कोई बस ट्रक जो भी मिल जाए, फिर हम लोग निकलेंगे और आगे की वीडियो को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जान, आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो सबसे पहले अगर काउच सर्फिंग के थ्रू आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपको जेन्यून लोग मिलते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक या किसी सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू आते हो तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि आपकी हेल्प करेंगे, तो सबसे पहले आप कन्फर्म कर लो वो कि वो आपसे कितना चार्ज करना चाहते हैं या फिर आपको फ्री में स्टे करेंगे। हम लोग तो फ्री में रहते हैं, आपको पता है कि बजट में हमें ट्रैवल करना है, पूरा इंडिया ट्रैवल करना है तो बहुत टाइम लगेगा, और पैसे अगर हम रुकने के लिए खर्च करेंगे तो हमारे सारे पैसे इधर ही खर्च हो जाएंगे। तो चलो अब आगे की वीडियो हम आगे से कंटिन्यू करते हैं और जोधपुर के लिए निकलते हैं। थैंक यू,
फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो है यहाँ पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक।